भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर आज आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर भी ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा, मैं जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। मनीष सिसोदिया जी अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे ईडी सीबीआई के बंद हो जाएंगे। सत्येंद्र जैन अगर आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के सारे मुकदमे बंद हो जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बैनर्जी अगर अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सारे मुकदमे जो चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। संजय राउत अगर शिवसेना छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर सीबीआई और ईडी के तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। फारूक अब्दुल्ला साहब एनसी के अगर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं सब बंद हो जाएंगे। कर्नाटक के कांग्रेस के नेता डीके शिव कुमार अगर आज कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे उन पर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। के कविता टीआरएस पार्टी की नेता अगर आज टीआरएस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेती हैं तो उन पर ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। तेजस्वी यादव अगर आज आरजेडी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उन पर भी ईडी सीबीआई के जितने मुकदमे चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और ये एक लंबी फहरिस्त है, एक बहुत लंबी लिस्ट है विपक्ष के उन नेताओं पे जिन पर ईडी सीबीआई के मुकदमे एक राजनीतिक साजिश के तहत दर्ज किए गए। अगर ये सारे नेता आज अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के लिए मान जाएं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं ईडी सीबीआई के वो सारे बंद हो जाएंगे। ये देश की सच्चाई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कितने ऐसे नेता हैं, इसकी भी बड़ी लंबी लिस्ट है, जो जब अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में थे, गैर भाजपा राजनीतिक दल का हिस्सा थे तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, गंभीर आरोप लगे, सीबीईडीआई ने मुकदमे दर्ज कर दिए और जैसे ही उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली ईडी और सीबीआई के तमाम मुकदमे उन पर जो चल रहे थे वो बंद हो गए। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। हेमंत बिस्व शर्मा जिन्हें नॉर्थ ईस्ट का अमित शाह कहा जाता है, बड़े राजनीतिक रणनीतिकार माने जाते हैं, इन पर गंभीर आरोप लगे थे भ्रष्टाचार के, एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, इन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली, सारी जांचें बंद हो गई। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में हुए कथातथित शारदा चिटफंड घोटाले के प्राइम अक्यूज कहे जाते थे, मुख्य अभियुक्त कहे जाते थे, उन्होंने ममता बैनर्जी की पार्टी छोड़ दी, तृणमूल कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया, सारी जांचें उनके खिलाफ बंद हो गई, जेड प्लस सिक्योरिटी अलग से उन्हें रिटर्न गिफ्ट के तौर पर बीजेपी ने दे दी। नारायण राणे महाराष्ट्र के दिग्गज नेता हुआ करते थे, बड़े बड़े पदों पर रहे, बड़े मंत्री के तौर पे भी रहे, उन पर भ्रष्टाचार के कई मुकदमे दर्ज हुए, सीबीआई ईडी तमाम एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी, उन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो सारे बंद हो गए। और ये एक लंबी लिस्ट है, ये लिस्ट खत्म नहीं होती है। मुकुल रॉय बंगाल के नेता थे,
ममता बैनर्जी की पार्टी में थे, उन्होंने तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, उन पर तमाम मुकदमे जो चल रहे थे वो बंद हो गए। इसी तरह अगर आज मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, तेजस्वी यादव, संजय राउत, फारूक अब्दुल्ला, के कविता, ये तमाम नेता अगर अपनी अपनी पार्टियां छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो इन पर जितने मुकदमे चल रहे हैं, इनकम टैक्स के हों, पुलिस के हों, सीबीआई के हों, ईडी के हों, वो तमाम मुकदमे बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है जो बिना डिटर्जेंट पाउडर के ही दमदार सफाई देती है। एक तरफ से कथातथित भ्रष्टाचारी डालो और दूसरी तरफ से क्लीन चिट निकलती है। ये बीजेपी आज एक वॉशिंग मशीन बन गई है। एक तरफ मनीष सिसोदिया जी का उदाहरण है, जिन पर अगस्त 2022 में सीबीआई ईडी ने मुकदमे दर्ज करे, अगस्त 2022 से लेकर आज मार्च 2023 तक मनीष सिसोदिया जी के घर पर रेड करी, उनके पैतृक गांव पर रेड करी, उनकी जितनी संपत्ति है वो सारी खंगाल ली, उनके बैंक अकाउंट चेक किए, उनके बैंक के लॉकर चेक करे, उनके घर परिवार के जितने जेवरात हैं चेक करे, एक नया पैसा, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, एक नया पैसा भारतीय जनता पार्टी की एजेंसियों को नहीं मिला। लेकिन फिर भी आज मनीष सिसोदिया जी को राजनीतिक कारणों के चलते ईडी और सीबीआई ने पकड़ के जेल में बंद कर दिया। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के खुद के कर्नाटक के विधायक आज से कुछ ही दिन पहले एक रेड में उनके घर पे 8 करोड़ रुपए नकद कैश मिला, अनअकाउंटेड इल गॉटन इलीगल वेल्थ वर्थ 8 करोड़ रुपीज वॉज रिकवर्ड। क्या उनकी गिरफ्तारी हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। क्या उन्हें जांच में बुलाया गया? कोई जांच में नहीं बुलाया गया। और कोर्ट से इन एजेंसियों ने अपने ही बीजेपी के एमएलए को बेल तक दिलवा दी, एंटीसिपेटरी बेल दिलवा दी। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक लौता ऐसा उदाहरण है कि कैश की रिकवरी होने के बाद, रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद 8 करोड़ रुपए की नकद राशि के साथ पकड़े जाने के बाद उस इंसान को जेल में नहीं बंद किया जाता, उसे ईडी और सीबीआई कोर्ट से बेल दिलवाती है, उसके बाद उसका खूब स्वागत होता है, हजारों लोगों की जन समर्थन रैली करवाकर, जलूस निकालकर, रोड शो निकालकर उस शख्स का अभिनंदन किया जाता है। क्या फर्क है मनीष सिसोदिया और इस एमएलए में? मनीष सिसोदिया साहब के घर पे एक नया पैसा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, लेकिन बीजेपी के इस विधायक के पास 8 करोड़ रुपए मिले। लेकिन आज मनीष सिसोदिया जेल में है, बीजेपी का यह विधायक कर्नाटक का जेल में नहीं है। बस मनीष सिसोदिया का एक ही अपराध है कि मनीष सिसोदिया ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का दामन थाम के 18 लाख बच्चों की जिंदगी बदलने का काम किया, और बीजेपी ने जब जब कहा हमारी पार्टी में शामिल हो जाओ, मनीष सिसोदिया ने कहा मैं जहर खाना पसंद करूंगा लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पसंद नहीं करूंगा। यह अपराध है मनीष सिसोदिया। मैं आपको बताना चाहूंगा सीबीआई की कार्यशैली। सीबीआई ने पिछले 8 सालों में 2014 से लेकर 2022 अंत तक जितने मुकदमे दर्ज करे उसमें से 95% मुकदमे विपक्षी दल और विपक्षी दल के नेताओं पर दर्ज करे। 95% ऑफ दी करप्शन केसेस, अलेज्ड करप्शन केसेस रजिस्टर्ड बाय दी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सिंस 2014 टू 2022 हैव बीन केसेस अगेंस्ट मेंबर्स ऑफ नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज, मेंबर्स ऑफ दी ऑपोजिशन। मैं आपको बताना चाहूंगा पार्टी वाइज ब्रेकअप कि कितने मुकदमे सीबीआई ने कौन सी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करे हुए। तृणमूल कांग्रेस के 30 नेताओं के ऊपर, 30 लीडर्स के ऊपर सीबीआई ने मुकदमे दर्ज किए हैं। कांग्रेस पार्टी
इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। आरजेडी बिहार की पार्टी है, आरजेडी के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। बीजू जनता दल उड़ीसा की पार्टी, नवीन पटनायक साहब की पार्टी, बीजू जनता दल के 10 नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। वाईएसआरसीपी आंध्र प्रदेश की पार्टी, इनके खिलाफ 6 मुकदमे सीबीआई के दर्ज किए हैं। बीएसपी बहुजन समाजवादी पार्टी, इसके 5 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी, उनके खिलाफ 5 मुकदमे सीबीआई ने दर्ज करे। आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी, इसके खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे। समाजवादी पार्टी 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। एआईएडीएमके 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। सीपीएम वामपंथी सीपीएम के खिलाफ 4 नेताओं के खिलाफ सीबीआई ने मुकदमे दर्ज करे हैं। एनसीपी 3 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे दर्ज करे हैं। एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। डीएमके 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। पीडीपी 1 नेता के खिलाफ सीबीआई का मुकदमा। टीआरएस 2 नेताओं के खिलाफ सीबीआई के मुकदमे। ये सीबीआई की कार्यशैली, इन एजेंसियों का ऐसा राजनैतिक प्रयोग तो आजाद भारत के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। और मकसद एक है कि इस देश को विपक्ष मुक्त कर दो, इंडिया को ऑपोजिशन लेस कर दो और भारत के लोकतंत्र को एक तंत्र में बदल दो, तब्दील कर दो। कन्वर्ट डेमोक्रेसी इनटू ऑटोक्रेसी एंड मेक इंडिया एन ऑपोजिशन लेस कंट्री। एक ही लक्ष्य है कि भारत देश में एक ही पार्टी हो और एक ही नेता, और कोई गैर भाजपा पार्टी या गैर भाजपा नेता इस देश में सर उठाने की भी हिम्मत ना करे। एक एक नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालो, जेल में डालो। पार्टियों की दुकानों पर, पार्टियों की राजनीतिक जो कार्यशैली है, जो उनकी इलेक्शन लड़ने की क्षमताएं हैं, जैसे पार्टी चलती है, उस सबको खत्म करो, बर्बाद करो। और एक ही पार्टी इस देश में बचे, भारतीय जनता पार्टी। ये लोकतंत्र को एक तंत्र में बदलने की, तब्दील करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश चल रही है।